कोमल त्वचा। स्नाबशिक 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 कासुचिक दुंजक निस्थुते खुक्सना बलगम यानी छिलमक नैम्बो खड़ा होना डंग न डंगा नल बसुड़ना हिसलन में कक्ष पूछना निमोरी हॉस्पिटल के सों से टीबी टेस्ट बाजत सब्स मसुब्स क्रेल मक्रेल जिक्स मजिक्स टीबी इलाज युद्ध पिना दिन जत्रुप तु देश मान जाना दुना खसपा डॉक्टरों ने जिस पौबाना टीबी नाधिकार गलतोप चैन पगजिगा सुचिगास कमनत यानी टीबी तक्षना युद्धना रदलुक्सी लस्क्यों से फुक्सना रिन मेतपार तक्षी बेनोतेन यंकों इस रिन मेतपा स्मंथां तंगनोतेन टीबी नतपाउनला हुकूमती फुक्सना खर्ची खोरागे रोक सिमिनल जबरीस मुल गब्ग्यात तांचें चुक उमिन मार रदलुक्सी लस्मीन गंभीरुन्यांस गोज गोए कासों से टीबी नतीर तक्षचत दुना टीबी स्कूला हागो तंगनोतेन स्क्योचिक सकलोक से गैसे पू टीबी कना शख्सित बेमिंगना लखथुत बाजत डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल सोसाइटी करगिल चोक्सना मिमांग सिफ फंथोक सिफिया ओमिक्रोन कोविड 19 एरिक सामाजिक तंग जफा फिलकान जिगिन इनंग इनातवा थम कलगन जेजनो करास्ता गजात बरगंग बोराजात छकुनियांग सिलाजात वैक्सीन गर्मित सलाजात गुलिस्तान में आप सभी का स्वागत करते हैं खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं एसएसपी लेह नित्या दुर्गा आईपीएस मैम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है खासकर लेह लद्दाख में, अभी तक का किस तरह के एक्सपीरियंस आपको लेह में देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले आपने रामबन में सर्विस दे किया है? जी, मुझे लद्दाख आए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है एंड मुझे ऑफिस एसएसपी ले ऑफिस का चार्ज लिए हुए भी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो रहा है। नो डाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर चैलेंजिंग, अभी काफ़ी ठंड है, दिस इज़ द पीक विंटर और हमें साथ ही साथ कोविड का भी जो थर्ड वेव का चैलेंज है वो भी आ गया। तो अभी अच्छा है एक्सपीरियंस, लोगों को जानने को मिल रहा है, एरिया जानने को मिल रहा है और कोविड के चलते जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो कोऑपरेशन करना है, लोगों से भी इसी चीज़ के लिए अपील हो रही है। हम दोनों ही वे से जा रहे हैं कि अवेयरनेस भी करें और वायलेशंस को जो वायलेट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैम, खासकर लद्दाख आते ही रिसेंटली एक बहुत बड़ा अहम केस सॉल्व किया है, रॉबरी एक्सटॉर्शन का, क्या कुछ कहना चाहेंगे और कितना कामयाब लग रहा है आपकी टीम? जैसा कि कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें दिया था कि ये वारदात 14 जनवरी को हुआ था एंड ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, जबकि हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इस टाइम पे ऐसा कोई काम करने का हिम्मत रख सकता है या कोई क्रिमिनल इतना अपने आप को सोच सकता है कि वो शाम में किसी को गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा के उससे पैसे लूट के चला जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी टीम के लिए एंड जो टीम है लेड बाय एसएचओ ले एंड एएसपी एंड डीएसपी ले, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। हम शुरू से ये थे कि हमें ये केस क्रैक करना है, जो भी हमारे पास क्लूज होंगे उनको उनको फॉलो करके जो भी लीड मिलेगा वी हैव टू फाइंड द कल्प्रिट एंड द टीम वॉज वेरी मोटिवेटेड एंड दे वेर सक्सेसफुल इन अरेस्टिंग द राइट एक्यूज। मैम, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, आईपीएस का करियर कैसा रहा आपका और जनरल मास को किस तरह की आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं 2016 बैच आईपीएस हूँ, इनिशियली J&K कार्डर के, फिर उसके बाद हमारा आगमुट कार्डर हो गया। आई वुड से इट इज़ अ लाइफ एनरिचिंग एंड चेंजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि आप एक नॉर्मल मेरा बैकग्राउंड बहुत ही एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का ही है, तो जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं और वो चीज़ आपको मिल जाती है,
बाद में फिर आपको फील होता है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्यार और जो एक्सपेक्टेशंस लोगों ने एक्सपेक्ट की है पुलिस से, एंड स्पेशली बीइंग वुमेन पुलिस ऑफिसर, दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रिजुडाइज एंड आई वुड से परसेप्शन ऑल्सो, कि अगर लेडी है तो पता नहीं पुलिस में ये रह पाएगी कि नहीं, या पुलिसिंग उस वे से होगा, क्योंकि पुलिसिंग को बहुत मैस्कुलिन वे में देखा जाता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अब तक का बहुत अच्छा रहा है, कि क्योंकि मैंने देखा है कि 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द लेडीज इन द सोसाइटी। एनी क्राइम अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं लेडीज़ भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, फैमिलीज में भी काफ़ी असर होता है, और वो सेंसिटिविटी के लिए मैस्कुलिनिटी की नहीं, एक एम्पैथी और सिंपैथी की भी ज़रूरत होती है। तो पुलिसिंग का वो भी एक एस्पेक्ट होता है। बाकी जो रेगुलर या कोर पुलिसिंग है वो तो हमें ट्रेनिंग में सिखाया भी जाता है, और जो ट्रेनिंग होती है हमारी तो उसमें शायद जितने टाइप के डर होते हैं वो सारे निकल ही जाते हैं। एंड जब आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप उसको अप्रिशिएट और करते हैं कि पीपल हैव पुट फेथ इन दैट पोस्ट, एंड सो यू आर एक्सपेक्टेड टू डिलीवर इट वेल। लद्दाख के अंदर जो सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लद्दाख एक ऐसा जगह है जो कि देश का ताज भी माना जाता है, और दूसरी जानब एक स्कैटर्ड और हार्श क्लाइमेट कंडीशन वाला जगह है। नो डाउट यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से बहुत चैलेंजिंग है, एंड मुझे तो खुशी होती है अभी बताने में, क्योंकि लद्दाख से भी काफ़ी सिविल सर्विसेज अभी निकल रहे हैं। रिसेंटली देर इज़ वन IAS ऑफिसर ऑल्सो 2020 बैच जो यहाँ प्रोबेशन कर रही है वो लद्दाख की हैं। तो the field of civil service is very much open, and because अब online content बहुत ज़्यादा आ गया है तो आप उसका भी use करके आप देख सकते हैं कि how you can go for the preparation। तो पहले जो limitations थी कि किसी को बड़े शहर में ही आके पढ़ाई करनी होगी या उसको वहीं पर exposure मिलेगा, अगर आप online भी ठीक से navigate करेंगे और आई वुड से सही साइट्स और वीडियोस वगैरह अगर आप देखेंगे जो टॉपर्स हैं, तो उससे भी आपको गाइडेंस मिल सकता है। एंड द फील्ड इज़ सो ओपन एंड इट इज़ सो आई वुड से डेमोक्रेटिक नाउ कि एनीबडी कैन एस्पायर टू बिकम सिविल सर्विस एस्पिरेंट एंड दे कैन एक्चुअली क्लियर द एग्ज़ाम ऑल्सो। आपके क़यादत में आने वाले वक्त में इनिशिएटिव्स के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आप जानते हैं जिस तरह से आज के टाइम पे डिजिटलाइजेशन का दौर है और साइबर क्राइम की बहुत ज़्यादा खदशा रहता है, कंसर्न रहता है, तो उसको लेके किस कितना तैयार है आपकी टीम, क्योंकि बहुत बार हमें देखने को मिला कि लद्दाख के अंदर साइबर क्राइम के ज़रिए लोगों को फ्रॉड करते हुए देखा गया। साइबर क्राइम को रोकने के लिए किस तरह की टीम तैयार है? साइबर क्राइम का अगर आप ट्रेंड देखें तो ये सिर्फ लद्दाख में ही नहीं, पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैव इंक्रीज्ड एंड फ्रीक्वेंसी हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड। तो लद्दाख के लिए डबल चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़े अवेयर कम हैं और जो स्कैमर्स हैं वो जनरली उन्हीं लोगों को देखते हैं जो थोड़े इनोसेंट हैं, भोले हैं, समझ नहीं आता, तो वो अपने तरफ से गाइड करके उनके अकाउंट से फिर पैसे निकाल लेते हैं। तो अभी लद्दाख पुलिस का इनिशिएटिव एक रहा है कि हमने एक स्पेशल साइबर क्राइम सेल बनाया है जो स्पेशली इन केसेस पे वर्कआउट कर रहा है, जहाँ पे पैसे फ्रॉडलेंटली ट्रांसफ़र हो गए हैं बैंक से, या OTP देके कार्ड से स्वैप हो गया है, ATM स्किमिंग हो गई है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स आर देयर। तो उसके लिए ये सेल बनी है, इसमें हम दोनों काम कर रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन कि हमें जो कंप्लेंट्स आए हैं उस पर कैसे हम केस वर्कआउट करके कल्प्रिट को पकड़ के और पैसे भी वापस लाएं। सेकंड इज़ अवेयरनेस, लोगों को रादर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है कि क्या टाइप के मोडस ऑपरेंडी है साइबर क्राइम करने के। वाह, बस इतने में वाह नहीं, बस इतने में ताजमहल चाय का वही स्वाद अब नई कीमत में 100 ग्राम पैक सिर्फ 40 रुपए में। ताज अब और भी वाह। वाह ताज। आप
ओमिक्रोन कोविड 19 ने रिक्स सामाजिक तंग गफपा फिलकान जिगिन इनंग इनातबुआ थम कलगन जेजेनो खरस्ता गजाद बरगंग बोराजाद छकुनियां सिलाजाद वैक्सीन गर्मित सलाजाद मेरा जैसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जैसा साइबर क्राइम क्रेज मुझे जम्मू में एक बार मिला है, वो सेम यहाँ लद्दाख में भी द सेम मोडस ऑपरेंडी बट पीपल आर डिफरेंट. तो उनके लिए वो नया केस लगता है तो उन्हें लगता है कि ये कोई जेन्युइन चीज़ थी, लेकिन ये एक्चुअली एक साइबर फ्रॉड है. जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी, कई बार होता है कि लोग फेसबुक या व्हाट्सएप में किसी फॉरेनर से फ्रेंडशिप कर लेते हैं एंड फिर बोलते हैं कि हम आपको एक बहुत महंगा गिफ्ट भेज रहे हैं. तो वो गिफ्ट भेजने के लिए वो पहुंच गया है दिल्ली या मुंबई में, तो कस्टम्स के लिए आप पैसा दीजिए. तो ये बहुत ही कॉमन स्कैम हो चुका है आजकल के टाइम में. एंड लद्दाख में भी हमारे पास ये एक दो केस ऐसे आए हैं जिसमें लोगों ने बिलीव किया है कि जो सामने वाला पर्सन है वो जेन्युइन है, वो उनको सच में कोई गिफ्ट भेज रहा है. और इसी कस्टम्स को कस्टम ड्यूटी देने के चक्कर में उन्होंने काफ़ी पैसे दे दिए. तो अवेयरनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है. एंड जैसे ही कोविड का ये थोड़ा प्रकोप कम होगा, हमारी टीम्स भी रेडी हैं कि हम यंग बच्चे, मिडिल एज पर्सन्स एंड ओल्ड एज पर्सन्स, इवन सिक्योरिटी फोर्सेस आल्सो, वहाँ पर भी जाके हम अवेयरनेस करें. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि रिपोर्टिंग टाइमली कीजिए. जो झिझक होती है कि एक सोसाइटी में भी एक टैबू सा बन जाता है कि अरे अगर किसी को बताएंगे कि हमने हमारे साथ चीटिंग हो गया या हमारे पैसे ठग गए तो लोग हो सकता है हमें जज करेंगे. तो ये झिझक से भी ऊपर उठ के आप टाइमली जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी चांसेस है कि हम वो कल्प्रिट को पकड़ सकते हैं और पैसे भी बचा के वापस ला सकते हैं. तो साइबर क्राइम से रिलेटेड यही हम फोकस करेंगे, अवेयरनेस एंड रिपोर्टिंग, टाइमली रिपोर्टिंग के लिए. इस वक्त की बात करें, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अलग अलग चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है, उस इनिशिएटिव्स आपकी टीम ले रहे हैं ड्रग को रोकने के लिए. ड्रग्स को लेके जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तो मुझे भी काफ़ी बोला गया कि ओपनली रिपोर्टिंग नहीं है, ओपनली बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन देर आर केसेस कि लोग डी एडिक्शन सेंटर आ रहे हैं, साइकेट्रिक सेंटर आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए. तो जिससे ये दिखता है कि एडिक्शन इज़ देयर इन द सोसाइटी. अब हमारे लिए डबल चैलेंज है क्योंकि अनलाइक जम्मू एंड श्रीनगर साइड वेयर पीपल आर ओपनली कमिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट एंड आइडेंटिफिकेशन भी होती है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है. बट एक जो एंटी नार्कोटिक सेल हमारा एक बना है वो भी इसी स्पेशली इसी केस के लिए बना है ताकि हम पेडलर्स को और उनका नेटवर्क जो है, उनका सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क, उसको ज़्यादा फोकस करें रादर देन जस्ट एडिक्ट्स. जो एडिक्ट्स हैं वो अपना ट्रीटमेंट लें, वो ठीक हो, हम यही चाहते हैं. लेकिन जो ये बिजनेस बना रहे हैं या जो ये एक काइंड ऑफ साइकिल बना रहे हैं ड्रग इकोनॉमी का, हमारा फोकस यही रहेगा कि पहले उनको आइडेंटिफाई करके उन पर हम सख्त से सख्त एक्शन लें. तो प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव पुलिसिंग के ऊपर हमारा फोकस है ड्रग्स को लेके. एंड आई एम श्योर आगे आने वाले टाइम में हमें रिजल्ट्स मिलेंगे. जैसे अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात करें, तो इन सारे इश्यूज को मद्देनज़र रखते हुए कोई सेल एस्टेब्लिश्ड हैं या इनिशिएटिव्स इस तरह की क्राइम्स को रोकने के लिए? ऑलरेडी यहाँ पे वुमेन पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश है जिसका जुरिसडिक्शन पूरा डिस्ट्रिक्ट ले एंड डिस्ट्रिक्ट करगिल है. इन एडिशन टू डैट हमारे जो पुलिस स्टेशंस हैं और पुलिस पोस्ट है उसमें एक वुमेन हेल्प डेस्क भी हमने एक इस्टेब्लिश किया है जिसका यही मकसद है कि कोई भी लेडी अगर शी इज़ इन नीड ऑफ पुलिस एक्शन और अगर उसे पुलिस स्टेशन जाने में कोई झिझक हो तो ये वुमेन हेल्प डेस्क उसकी उस झिझक को कम करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेंगे. वुमेन पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग की भी फैसिलिटी है डोमेस्टिक वायलेंस वाले इश्यूज को लेके या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को लेके रादर. और हम इसी एजेंडा में है कि जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या जहाँ फिजिकल वायलेंस ज़्यादा है तो उसमें हम ज़रूर FIR लगाएंगे. एंड जो एक रेमिडी है लीगल, सोशल, फाइनेंशियल, जो भी हमसे हो सकता है हम वो गाइड करेंगे विक्टिम को भी, सो दैट उसको ये इशू ना हो कि आज पुलिस के पास गए, कल कोर्ट के पास गए, कल वकील के पास गए. तो हमारे जो वुमेन पुलिस स्टेशन में
काउंसलर्स हैं वो इस चीज़ के लिए इक्विप्ड हैं एंड वी आर वर्किंग क्लोजली विद द वन स्टॉप सेंटर ऑल्सो सो दैट जो एक रेमेडी है लेडी को चाहे वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से हो मेंटेनेंस को लेके हो चाइल्ड कस्टडी को लेके हो वो हम उसको मुहैया करा सकें। कोविड से पहले पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल स्मार्ट पुलिसिंग का और पुलिस पब्लिक रिलेशन को बढ़ाने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बहुत सारे एक्टिविटीज़ देखने को मिल रहा था। इस वक्त कोविड है और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियां कोविड अगर नॉर्मलाइज हो जाता है? बिल्कुल, हमारा जो फोकस है लद्दाख पुलिस का हमेशा से रहा है कि मैक्सिमम यूथ एंगेजमेंट एंड सिविल सोसाइटी के साथ मिलके हम प्रोग्राम्स करें सो दैट जो पुलिस और पब्लिक के बीच में गैप रहता है वो ना रहे और एनी काइंड ऑफ मिसट्रस्ट या मिसकम्युनिकेशन कैन बी इजीली सॉर्टेड आउट। तो कोविड के चलते हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स अभी रुक गए हैं लेकिन सिविक एक्शन प्रोग्राम में हमारा फोकस रहेगा यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ जिसमें यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हम दोनों को बोलें, कैरियर काउंसलिंग को लेके भी है जैसा कि अभी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी हमने रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट निकाला है कॉन्स्टेबल्स के लिए। तो इवन हमारे एडीजी सर का ये भी कहना था कि वी शुड मोटिवेट पीपल ऑन हाउ टू गो फॉर दीज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो एक कैरियर काउंसलिंग के ऊपर भी हम सेशंस करने का प्लान कर रहे हैं। बाकी जो डिटेल है इस साल का वो हम कोविड के कम होने के बाद वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग द सिविक एक्शन प्रोग्राम। मैम, कोविड का दौर है और अभी भी कोविड का लहर ख़त्म नहीं हुआ है, आपकी टीम जगह जगह पे हर वक्त तैनात रहते हैं और बेहतरीन सर्विस लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आने वाले समय में भी किस तरह की तैयारी कोविड की इस महामारी में पुलिस का लद्दाख के आवाम के लिए सर्विस देने के लिए खास कर लें? देखिए, पुलिस बींग द एमरजेंसी एंड एसेंशियल सर्विस, चाहे कोविड हो या कोई भी कैलामिटी हो, पुलिस हमेशा रहेगी। जो थर्ड वेव आ रहा है, मेरा लोगों से यही अपील है कि कोऑपरेट करें, कोविड गाइडलाइंस फॉलो करें, जहाँ पे गैदरिंग मना की गई है विदाउट परमिशन 20 से ज़्यादा वो ना करें। पुलिस जैसा कि दोनों चीज़ कर रही है, हम अवेयरनेस भी कर रहे हैं और हम स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। हमारा ज़्यादा ये फोकस है कि लोग जितना हमसे कोऑपरेट करें हमें उतनी सहूलियत होगी और हमारा काम उतना आसान होगा ताकि हम कोई बाकी पुलिसिंग वाले काम पर भी ध्यान दे सकें। तो लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने गाइडलाइंस निकाले हैं कोविड से रिलेटेड, उनको ध्यान से पढ़ें, उनका पालन करें एंड जो खुद पॉजिटिव हैं वो खुद घर पे रहें। जो होम आइसोलेशन गवर्नमेंट ने रूल्स निकाले हैं कि लोग अपने घर में ही खुद को आइसोलेट करके ठीक करके फिर जाएं, तो उसको आप लेटर एंड स्पिरिट में आप फॉलो करें सो दैट पुलिस का कोअर्सिव एक्शन की ज़रूरत ना हो। आखिर पे मैम, इन जनरल लेह निवासियों को किस तरह की अहम मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे क्योंकि आपने रिसेंटली ज्वाइन किया? मेरा यही मैसेज होगा लेह डिस्ट्रिक्ट के आवाम के लिए कि जो सपोर्ट आपने लेह डिस्ट्रिक्ट पुलिस को पहले भी दिया है वो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए और हम बहुत ओपन है फीडबैक के लिए। हमने इवन आई हैव गिवन डायरेक्शंस टू ऑल माय एसएचओ एंड चौकी अफसर ऑल्सो कि आप कोविड एसओपी को फॉलो करते हुए पीसीपीजी मीटिंग्स भी कीजिए, लोगों से भी बात कीजिए। आपका क्या फीडबैक रहेगा चाहे क्राइम को लेके या एंगेजमेंट प्रोग्राम को लेके, कैसे बेटर हम और बना सकते हैं अपना रिस्पॉन्स, हम इसके लिए काफ़ी वी वुड लुक फॉरवर्ड टू इट। एंड जो कोऑपरेशन आपने पहले भी दिया है वो हमें इस बार भी आप दीजिए, इस साल भी ले डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, सो दैट हम और अच्छी सर्विस और डिलीवरी दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। हमारे साथ बात कर रहे थे एसएसपी लेह नीथिया दुर्गा आईपीएस। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बने रहिए गुलिस्तान के साथ पल पल के अपडेट के लिए। वाह,